सभी सखियों सहेलियों और श्रोताओं को नेहा शर्मा और बुआ का नमस्कार। तो बुआ देखिए घूमने का दिन था तो हमने सोचा कि चला जाए। हाँ कि आप अकेले कहीं नहीं जाने चाहिए, मुझे साथ लेकर ही हमेशा साथ लेकर ही चलते हैं। और अक्सर यही होता है कि तुम उसी दिन टपक पड़ती हो जिस दिन की कहीं घूमने जाना हो। हम बिल्कुल संकोच नहीं करते इन मामलों में। ऐसा है जी कि अब बहुत सारी चीजें जो है श्रोता हमारे कार्यक्रमों को सुनकर कुछ चीजें आत्मसात करते हैं और आजकल जो ये अभी इन्होंने जैसे दिखाया एक वानगी, ऐसे हमारे श्रोता लिखकर भेजते हैं सारे विषयों को कुछ इसी तरीके से शीर्षक में समाहित कर लेते हैं। और हमारे एक साथी लिखते थे, अब बहुत सारे हमारे साथी लिखने लगे हैं ऐसे ही, मतलब उसी में सारे विषय आ जाते हैं। बड़ा तो, अच्छा लगता है, आनंद आता है। ऐसा लगता है कि हम तो अलग अलग शीर्षक बताएं, उससे अच्छा वो सारी चीजों को एक साथ गूंथ देते हैं जी। और बहुत अच्छा लगता है, अच्छी तरह से सुंदर से गूंथते हैं जी हाँ। जैसे आज के विषय हैं, जैसे हम विषय बता ही देते हैं फिर श्रोताओं ने जिस तरह से पेश किया वो भी बता देंगे। तो आज के विषय है संकोच से बचें, और दूसरा विषय है बच्चों को वाहन देने से पहले सोचिए जी। और इसके साथ ही हम घूमने जाने वाले हैं चंपावत, और वो दिन जो आपको याद करना है, हमें याद करना है वो करना है हाँ, कि जब एक दूसरे की चीज हम लेते थे, देते भी थे जी। कि वे लेने की बात नहीं है, लेने देने की बात है। उसमें कपड़ा भी हो सकता है, कोई सामान हो सकता है, जूते चप्पल हो सकते हैं, और भी बहुत सारी चीजें होती हैं, कंघी है, मतलब बहुत सारी चीजें होती हैं, लेनी ही पड़ती थी। तौलिया है कभी ले लिया, कहीं घूमने जा रहे हैं, कोई खास तरीके का चश्मा चाहिए, गॉगल्स तो चाहिए, लिया जाता था। तो वो घर परिवार में जो भाई बहनों के बीच लेन देन होता था वो भी, और साथ में पास पड़ोसियों के साथ, क्योंकि वो तो परिवार का हिस्सा हुआ करते थे। बिल्कुल होता था, और दोस्त तो बिल्कुल परिवार वालों से भी ज्यादा नजदीकी होते हैं, तो उनसे भी जो भी लिया दिया गया है वो सारी चीजें आप साझा करिए, बताइए हमें। और इसको बताने में आप बिल्कुल संकोच ना करें, क्योंकि हम तो चंपावत चल ही रहे हैं घूमने के लिए, है ना, क्योंकि हरी भरी वसुंधरा तो सभी को अच्छी लगती है। बिल्कुल, खूबसूरत पहाड़ और मैदानों के बीच से होकर जब कलकल करती स्वच्छंद होकर बहती नदियां होती हैं तो वो तो बहुत ही खूबसूरत लगती है। साथ ही वन्य जीवों को लेकर पर्वतीय हरे भरे नज़ारे पर्यटकों को लुभाते हैं, और प्रकृति के बीच अलौकिक सुकून, शांति और शीतलता का एहसास लेने हम जा सकते हैं चंपावत। जी हाँ, उत्तराखंड राज्य का नगर, मुख्यालय भी है, समुद्र तल से लगभग 1615 मीटर की ऊंचाई पर स्थित है। कई वर्षों तक कुमाऊं के शासकों की राजधानी रहा, और यहां के इतिहास का जो है वो अपना विशिष्ट स्थान है। बिल्कुल, गुरु पादुका नामक ग्रंथ के अनुसार नागों की बहन चंपावती ने चंपावत के बालेश्वर मंदिर के पास तपस्या की थी, और उनकी याद में चंपावती का मंदिर आज भी बालेश्वर मंदिर समूह के अंदर स्थित है। वायु पुराण के अनुसार अगर बात करें तो चंपावती पुरी नागवंशीय नौ राजाओं की राजधानी थी। यहाँ चंद राजाओं का राज्यकाल 869 वर्षों तक रहा। आगे चलकर 1997 में चंपावत को जनपद का दर्जा मिला, और यहाँ आने के लिए बस सुविधाएं उपलब्ध हैं, और भी आसपास के बहुत सारे जो स्थान है देखने लायक उसको भी आप देख सकते हैं। उसमें है बालेश्वर मंदिर, और ये मंदिर शिव जी को समर्पित है, और इसका निर्माण चंद शासन काल में करवाया गया था। वास्तुकला बहुत खूबसूरत है, ऐसा माना जाता है कि इस मंदिर का निर्माण 10वीं से 12वीं ईस्वी शताब्दी में हुआ था, और इसके साथ नागनाथ मंदिर की वास्तुकला भी खूबसूरत है। कुमाऊं के पुराने मंदिरों में से एक है ये मंदिर। ऐसे ही पूर्णागिरी मंदिर भी है, नाम से ही देखे पता चलता है ना, ये मंदिर जो है पूर्णागिरी पर्वत पर स्थित है, और टनकपुर से 20 किलोमीटर और चंपावत से 92 किलोमीटर की दूरी पर स्थित है। चैत्र नवरात्रि में यहाँ बहुत भीड़ होती है। यहाँ से काली नदी भी बहती है जिसे शारदा के नाम से जाना जाता है। और ये मंदिर भारत के 108 शक्तिपीठों में से एक है। और इसके अलावा पंचेश्वर भगवान शिव मंदिर प्रसिद्ध है, नेपाल की सीमा पर स्थित है ये, और यहाँ पर होती है काली और सरयू नदियों का संगम। यहाँ मेला लगता है और नदियों में भक्तगण डुबकी भी लगाते हैं। देवी धुरा वाराही मंदिर के नाम से जानी जाती हैं, और ये चंपावत से 45 किलोमीटर दूर स्थित है। यहाँ बगवाल के अवसर पर दो समूह आपस में एक दूसरे पर पत्थर फेंकते हैं, और ये अनोखी परंपरा है, रक्षाबंधन के अवसर पर की जाती है। यहाँ शनि मंदिर भी है। और अगर बात करें सिखों के प्रमुख धार्मिक स्थल की, तो प्रमुख धार्मिक स्थलों में से एक मीठा रीठा साहिब यहीं पर है, चंपावत से 72 किलोमीटर की दूरी पर ये स्थित है। और कहा जाता है कि सिखों के प्रथम गुरु गुरु नानक जी यहाँ आए थे, और ये गुरुद्वारा जहाँ पर स्थित है वहाँ लोदिया और रटिया नदियों का संगम होता है। इसके परिसर में रीठे के कई पेड़ लगे हैं,
और कहा जाता है कि गुरु के स्पर्श से रीठा मीठा हो जाता है। हो जाता है, क्या बात है। तो यहाँ पर हम कह सकते हैं कि आसपास दो दो संगम है कि तो नदियों का दो संगम है, सुंदर स्थान है। तो आगे तब हम घूमने चलेंगे जब कुछ गीत वीत हो जाए तब, है ना। तो बुआ जी, ऐसे नीले पर्वतों के बीच में घूमते घूमते हम चंपावत घूम रहे हैं जी। और मीठा रेठा साहिब के तो हमने दर्शन कर लिए, इसके साथ ही एक और धीरनाथ मंदिर भी यहाँ है। बैसाख पूर्णिमा के अवसर पर यहाँ मेले का आयोजन किया जाता है। और इसके साथ हम एक और जगह के बारे में बताते चले, वो है श्यामला ताल, जो कि श्यामतल झील के तट पर स्थित है। इसके साथ ही ये स्थान स्वामी विवेकानंद आश्रम के लिए भी प्रसिद्ध है। यहाँ लगने वाला झूला मेला भी काफी प्रसिद्ध है। अब चलते हैं अबोट माउंट, मनमोहक जगह है। यहाँ पर ब्रिटिश काल के कई बंगले मौजूद हैं। लोहा घाट से 11 किलोमीटर की दूरी पर स्थित है। बनबसा NHPC का एक जल विद्युत पावर केंद्र है। ये नेशनल बॉर्डर पर, ये नेपाल के बॉर्डर पर स्थित है और यहाँ ट्रैकिंग भी कर सकते हैं और बहुत सी अनोखी चीजें देख सकते हैं। बिल्कुल। और कैसे हम पहुंचे चंपावत, इसके लिए हवाई मार्ग हम अपना सकते हैं। पेंटानगर हवाई अड्डा यानी उधम सिंह नगर चंपावत से 170 किलोमीटर की दूरी पर है। यहाँ से बस, टैक्सी या जीप से आप यात्रा आगे कर सकते हैं। ट्रेन से आने के लिए अगर आप चाहें तो टनकपुर रेलवे स्टेशन पे आकर आगे की यात्रा सड़क मार्ग से पूरी कर सकते हैं। दिल्ली लखनऊ जैसे कई शहरों से आप सड़क मार्ग के द्वारा भी यहाँ तक की यात्रा कर सकते हैं। और हिल स्टेशन है, इसलिए मार्च से जून तक का समय बहुत अच्छा है यहाँ आने के लिए। बरसात के मौसम में थोड़ा घूमने से यहाँ बचना चाहिए, क्योंकि भूस्खलन जैसी चीजों से आपका सामना हो सकता है। फिर रास्ते बंद हो गए तो आप जहाँ पर हैं वहीं रुक जाएंगे। अगर आपको केवल निसर्ग
आनंद लेना है प्रकृति का, तब आप जा सकते हैं कि कहीं आप बैठे हैं सिर्फ जी और आनंद ले रहे हैं, बारिश हो रही है तो उसका आनंद ले रहे हैं, हरियाली का आनंद, फिर बादल भी नीचे आ जाते हैं, बादल नीचे। और चंपावत अगर आप गए हैं तो मसाले जरूर ले आइएगा, क्योंकि मसालों की व्यापक खेती यहाँ होती है। जीरा, धनिया, सौंफ, हींग, लाल मिर्च, काली मिर्च, गरम मसाले और अन्य कई मसाले यहाँ उत्पादित होते हैं। तो वहाँ जब आपको यहाँ पे खरीदारी करनी हो, मसाले लाने हो, संकोच बिल्कुल मत करिएगा, बिल्कुल भी नहीं। खासतौर से काली मिर्च लाना हो, लाल मिर्च लाना हो, क्योंकि संकोच, हमारे साथी लिख रहे हैं कि जब दिल की गहराइयों में डर छुपा हो, आगे बढ़ने की राह में अवसाद की छाया हो, तो संकोच से बचें, दिल की बातें खुद से कहें, खुद को खो दें और जीवन को जीने दें। अब जब आसमान की ऊंचाइयों में डर लगे और सपनों की पंखों को तोड़ने का ख्वाब लगे, तो संकोच से बचें, उड़ने की राह चुनें, अपने ख्वाबों को पूरा करने की आज़ादी पाएं। जब जीवन की लहरों में डूबने का खतरा हो, तो अपने मंजिल की ओर बढ़ने का रास्ता हो, तो संकोच से बचें, जीवन में संकोच से बचकर आगे बढ़ें, खुद को खो दें और अपने सपनों को पाएं। वाह, और हमारे एक साथी कह रहे हैं कि सभी विषय रोचक हैं, चंपावत घूमने चलेंगे, इसमें संकोच से बचेंगे, बच्चों को वाहन देने से पहले सोचना जरूरी है, बहुत ही महत्वपूर्ण विषय है सभी। एक दूसरे की चीज का इस्तेमाल कब किया हमें तो याद नहीं, वैसे मुझे बहुत पसंद नहीं आता किसी की चीज का इस्तेमाल करना, मुझे ये भी बहुत पसंद नहीं आता कि मेरी चीज भी कोई इस्तेमाल करे। ये बहुत सारे लोगों में होती है, और कहीं बड़ी बहन में हो गई ना तो छोटी बहन की तो बिल्कुल जिंदगी चौपट हो जाती है। पर हो सकता है उसकी जिंदगी अच्छी हो जाए, क्योंकि फिर छोटी बहन को नहीं तो बड़ी बहन के सब कपड़े पहनने पड़ते। लेकिन जो छोटी बहनें होती हैं, छोटे भाई होते हैं, उनको बड़े भाई या बड़ी बहन जो होते हैं ना, वो बिल्कुल ऐसे आदर्श लगते हैं जैसे भगवान का स्वरूप लगते हैं। उनका कुछ भी मिल जाए प्रसाद के तौर पर, वो एकदम सर आंखों पर लेते हैं, अच्छा हो बुरा हो, वो बस भैया का है या दीदी का है। और ये जो बड़े भाई दीदी लोग ना, अब यहाँ पर हमारे जो होंगे साथी लोग बहुत नाराज होंगे, लेकिन होता ऐसे ही दर्द है। और बड़े भाई बहन जो होते हैं उनको इसलिए तकलीफ हो जाती है कि छोटा जब कुछ लेता है तो वापस जब करता है तो फिर तो ऐसे ही खराब करके देता है। हाँ, छोटा तो छोटा है जी, वो अपने मजे से लिया और कहीं भी रख दिया, कैसे भी दे दिया, तो ऐसा होता है। लेकिन फिलहाल जब हम बात करेंगे संकोच की, तो हमारे साथी ने अलग अलग बातें लिखकर भेजी है। उन्होंने लिखा है कि संकोच हमें करना चाहिए किंतु हर जगह नहीं। गुरु से संकोच करने पर हमें पूरी शिक्षा नहीं प्राप्त होगी, वहीं दोबारा मांगने का संकोच करके आप आधा पेट भोजन करके भूखे ही उठ जाएंगे। संकोच केवल कुछ ही जगह पर दिखाया जाना चाहिए, जैसे बहू के घर में, अपने स्नान घर में जाते समय परिवार की स्त्रियों का होना, बाजार में औरतों की कुछ खरीदारी कर रही हैं, वे अपने पसंद की चीजें ले रही हैं, उस जगह छेड़छाड़ ना करें, सवाल जवाब ना करें, आप हट जाएं तो अच्छा होगा, लेकिन पत्नी से प्रेम दर्शाने में आपका संकोच आपके संबंधों पर ग्रहण लगा सकता है। कितनी अच्छी अच्छी बातें हमारे साथियों ने की। लेकिन बुआ जी, आपको पता आज एक बहुत ही खास दिन है, क्या जो बहुत से लोगों को पसंद आएगा? बताओ बताओ, संकोच मत करो तो बताओ बताओ। आज है विश्व आलू दिवस, तो आज के दिन सभी को आलू खाना चाहिए, क्योंकि आज विश्व आलू दिवस है। देखो, आलू जो ऐसी चीज है ना कि वो सब सब्जी के संग सजती है, आलू गोभी, आलू बैगन, आलू बुड़ा, आलू टमाटर, मतलब सबको पूरा कर दे, सबका दोस्त होता है आलू। हाँ, सबका मित्र है, सब जगह मिलता है, कहते हैं पूरे विश्व में आलू ही ऐसा है पाया जाता है, तो बड़ा मजा लगता है, अच्छा लगता है, खुश होता है, इसीलिए विश्व आलू दिवस मनाया जा रहा है। तो सबको बधाई दे देते हैं, बिल्कुल, केवल भिंडी को छोड़ के, भिंडी हमें लगता है बहुत कम लोग आलू के साथ बनाते हैं, पर वो भी उसके साथ अच्छी लगती है। भिंडी अपने एक अलग तरीके के कह सकते हैं कि अपने प्रजाति है, जो वो कहती है कि मैं अकेली भी बहुत अच्छी लगती है और लोगों को पसंद भी आती है। लेडीज फिंगर नाम है ना। तो इसलिए आज अंतर्राष्ट्रीय आलू दिवस की सभी को शुभकामना देते हैं और एक गीत चला देते हैं आलू। हाँ, के लिए बिल्कुल। आलू की भाजी बैंगन का भरता, आलू की भाजी बैंगन का भरता, बोलो जी बोलो क्या खाओगे? Thank you.
मिलाऊं, अच्छा जरा सा चावल लाऊं, अरे वाह जरा सा दूध मिलाऊं, खेल हम हो गए पहले सबक में, और कोई चीज बोलो खाओगे जो भी सजन तुम खिलाओगे, जो भी सजन तुम खिलाओगे। ओहो हो आहा, देख देख प्यारी सूरत तुम्हारी, भूख तो हमारी मिट गई थी सारी, देख देख प्यारी सूरत तुम्हारी, भूख तो हमारी मिट गई थी सारी। तो भाई संकोच संकोच में कहाँ से कहाँ क्या हो जाता है जी। ये बात फिर से करना ही पड़ेगा, क्योंकि इन्होंने लिखा है कि हम तो किसी भी बात में आज भी संकोच नहीं करते, आज भी वही शरारते हैं, अपनी बात को धैर्य से रख कर सही समय आने पर कह देते हैं, किसी और को कहने के बजाय जिन्हें बोलना हो उन्हें ही बोल देते हैं, बोलने का तरीका बुरा न लगे ऐसा रख कर कह देते हैं। लेकिन कई बार बहुत से लोग बहुत चीजों में संकोच करते हैं, जिन चीजों में संकोच नहीं करना चाहिए उसमें भी करते हैं, क्योंकि उन्हें लगता है कि अगर ये बात हमने कह दी तो क्या होगा, अगर नहीं कही तो क्या होगा, ये किया तो क्या हुआ, वो किया तो, वो पहले से जो सोचते रहते हैं और उस चक्कर में कुछ नहीं करते बाद में पछताते हैं, या हो सकता है कि वो चीज बुरी लगे तो आप उसे संभाल सकते हैं, या हो सकता है कोई काम बिगड़ जाए तो आप उसे संभाल सकते हैं, लेकिन अगर किया ही नहीं तो आपको पता ही नहीं चलेगा कि अच्छा होता है क्या बुरा होता हो सकता है कुछ अच्छा हो रहा हो जो ना हो रहा है आपकी वजह से, या कभी कभी आपके संकोच की वजह से आपको भी परेशानी होती है, गलत फहमियां भी पैदा हो जाती हैं, और कभी कभी सामने वाले के बारे में भी आप गलत सोच रहे हैं, आपको पता ही नहीं कि वो है क्या दरअसल व्यक्ति, और आपने उससे पूछा नहीं, आप भी गलत फहमी का शिकार हो सकते हैं अगर आप संकोच में रह गए तो। और कई बार हम कुछ बात किसी से सामने वाले से कहकर उसे पूरी तरह से सुलझा सकते हैं, लेकिन हम चुप रह जाते हैं तो उन्हें लगता है कि जो वो हमारे बारे में सोच रहे हैं कि हम इस मामले में गलत थे और उन्होंने वो बात कही, फिर भी हम चुप रहे यानी हम गलत हैं तो हम अपना पक्ष भी रख सकते हैं, लेकिन संकोचवश हम नहीं रखते हैं तो वो बात बिल्कुल बदल जाती है, तो बहुत सारी समस्याएं खड़ी हो जाती हैं। संकोच से बचें अच्छी बात है, लेकिन जब यही स्वभाव हो फिर क्या करें, अब ये बताओ। हमारे साथी लिख रहे हैं, संकोची प्रवृत्ति अक्सर अपने को नुकसान कराती है ऐसा माना जाता है, किंतु यदि इस प्रवृत्ति से किसी का फायदा हो फिर तो ये एक अच्छी बात है, क्योंकि कहा जाता है कि प्रेम में अपने दुख सहकर भी दूसरे के भले की ही कामना फलीभूत होती है, ऐसे में केवल सांसारिक लाभ के लिए संकोच से बचें यह उचित नहीं प्रतीत होता, किंतु संकोची प्रवृत्ति होते हुए भी अपने अधिकार और कर्तव्य के प्रति सचेष्ट रहना ज्यादा उचित मालूम पड़ता है, जिसमें अति संकोची प्रवृत्ति की निवृत्ति भी हो सकती है। वाह, तो बड़ी अच्छी बात। सवाल पूछा उसका जवाब भी खुद ही दिया। हमारे एक साथी कह रही संकोच करने के उनका एक किस्सा वो बता रही कि संकोच करने से बचें। एक बार मुझे स्टेज पर अचानक बुलाकर कुछ दो शब्द धन्यवाद के कहने को कहा गया, पल भर के लिए तो मैं घबरा गई, 150 लोगों के सामने बोलना था। तुरंत अपने आप से कहा कि तुम बोल सकती हो और बहुत अच्छा बोल सकती हो, बस फिर मैंने बहुत अच्छा बोल लिया। ये एक पतली रेखा है जिसे हमें पार करना होता है, अपने आप को प्रोत्साहन देना होता है। क्या बात। तो इन्होंने एक सुझाव दिया कि इस तरह से हम खुद को ही आगे बढ़ा सकते हैं, खुद को ही प्रोत्साहित करके थोड़ी एक हिम्मत कर सकते हैं, उसके बाद तो फिर ज्यादा हिम्मत आ जाती है। बिल्कुल, जैसे कि कहते हैं ना कि अंधेरे में जो है रस्सी भी सांप लगती है, तो ये कुछ उसी तरीके का है। जब तक कि आप उस कमरे में प्रवेश नहीं करेंगे आपको सच्चाई का अनुमान नहीं होगा, बस आप अनुमान लगाते रहेंगे पता ही नहीं चलेगा। संकोच या झिझक की भावना बहुत से बच्चों में बचपन से होती है, प्राय बड़े होने पर भी संकोची रहते हैं, किसी से बात करना हो तो या कुछ लेना देना हो तो झिझकते हैं। तो इन्होंने यही लिखा है, और कार्यक्रम के माध्यम से संकोच से कैसे बचा जाए ये जानेंगे।
तो देखिए, अगर किसी बच्चे को झिझकने की या संकोच करने की प्रवृत्ति है, घर के लोगों को पता होता है, तो अक्सर क्या होता है, घर के लोग आगे बढ़ बढ़ के उस, क्योंकि ये तो संकोच करता है, तो चलिए हम इनके बदले बोल देते हैं या हम इनके बदले वो कोई काम कर लेते हैं, ऐसा वो कहते हैं, तो इस वजह से बच्चे की प्रवृत्ति वैसी बनी रहती है। बजाय इसके जैसे कि हमारी सखी ने लिख भेजा, उन्हें अगर आप प्रोत्साहित करते हैं कि कोई बात नहीं, आप जाकर बोलिए, या आप छोटे छोटे तौर पे छोटे छोटे कदम करके, क्योंकि वो बचपन से वो संकोची हैं, तो बचपन से ही आप धीरे धीरे उन्हें उनकी संकोच की जो प्रवृत्ति है उसको दूर कर सकते हैं प्रोत्साहित करके। बिल्कुल, दूर अगर ना भी हो नेहा बेटिया, तो कहीं ना कहीं बहुत हद तक हम उस पर नियंत्रण तो रख ही सकते हैं। और सच बात है कि जब हम सोच लेते हैं कि ये तो बोलेगा ही नहीं तो दूसरा बोल देता है, तो बेहतर है जैसे केवल केवल नाम पूछने भर में, जब तक बच्चा बोले बोले तब तक बड़े बता देते हैं इसका नाम ये है, वो बोल नहीं पाता, फिर उसको लगता है धीरे धीरे कि हम चुप रहें तो बेहतर है, और साथ में बोल भी देते कि ये तो नहीं बोलता है, इसे तो शर्म आती है, ये तो संकोच करता है, तो हम बोल देते हैं आपको इनको दो रसगुल्ले दे दीजिए, नहीं चाहिए, तो आप उनको ही बोलने दीजिए जी, तो वो धीरे धीरे आप उनको बोले तुम बोलो मैं साथ में खड़ा हूँ। हाँ। तो और या तो कभी कभी थोड़ा सा आपको अपना कलेजा मजबूत करना पड़ेगा, अगर आपका बच्चा है या कोई भी मित्र भी है तो ठीक है, एक बार उसको नुकसान हो सकता है कि कुछ हो, जैसे कि जैसे अभी तुमने रसगुल्ले की बात कही, तो नुकसान बहुत बड़ा है, अगर मीठा ना मिला वो भी दो रसगुल्ला तो बहुत बड़ा नुकसान है। तो इस तरीके से जब कभी कोई एक आध छोटी छोटी परेशानी आएगी, वो वंचित रह जाएगा अपने सुख से या किसी भी चीज से, तो जाहिर है कि पहले उसके बाद वो सजग रहेगा और उससे कहा जाएगा कि भाई हम लोग नहीं बोलेंगे, तुम्हें लेना है तो तुम खुद बोलो जी, तो धीरे धीरे उसको लगेगा कि नहीं हमें तो अब बोलना ही पड़ेगा, और फिर जब मरता क्या ना करता तो बोलने लगेगा। तो कहीं ना कहीं बच्चा हो चाहे खुद भी आप भी हो, तो अपने आसपास इस बात को देखें कि पहली बात तो खुद आत्मविश्वास उसका जगाएं, और उसके संग संग ये प्रवृत्ति न पनपे इसके लिए जरूरी है कि उसको छोड़ दें, तुम नहीं मांगोगे तुम्हें नहीं मिलेगा, तुम नहीं कहोगे घूमने हमें भी चलना है तो हम लोग नहीं ले जाएंगे तुमको छोड़ देंगे, तब उसको लगेगा नहीं अब तो हमें बोलना ही पड़ेगा, है ना। बिल्कुल, तो इससे उन्हें ये समझ में आएगा कि उन्हें हाँ या ना दोनों जवाब मिल सकता है, लेकिन फिर भी दो विकल्प हैं, अगर वो नहीं बोलते हैं तो उनके लिए सिर्फ ना ही है, तो ये बात जब उन्हें समझ में आएगी तो वो एक कोशिश करने की कोशिश करेंगे और धीरे धीरे वो अपने आप ही संकोची प्रवृत्ति थोड़ी कम होती चली जाएगी। हाँ बिल्कुल हो जाएगी, और सच बात है कि आप सभी साथी समझते हैं कि बड़े होने पर ये संकोच वाली प्रवृत्ति किस तरीके से घातक होती है ये तो समझ ही रखते हैं, बचपन में तो चलो ठीक है दो रसगुल्ले का ही बस नुकसान हुआ, आगे चलकर बहुत सारी जो सफलताएं हैं वो हमसे वंचित रह जाती हैं, तो प्रयास करें कि संकोची प्रवृत्ति न रखें, जो बात है स्पष्ट कह दें। कभी कभी सामने वाले को गलतफहमी है आपके बारे में, लेकिन संकोचवश हम अपना पक्ष रख ही नहीं पाते, है ना। और हमारे साथी लिख रहे हैं कि मनुष्य के सबसे आम लक्षणों में से एक है झिझक, ये एक आम और सबसे ज्यादा नजरअंदाज किया जाने वाला मुद्दा है। प्रत्येक व्यक्ति को अपने जीवन में कभी ना कभी झिझक का अनुभव हुआ है। हम झिझकते हैं, हम सोचते हैं, हम विश्लेषण करते हैं, हम ठिठक जाते हैं। झिझक कभी कभी अच्छी भी हो सकती है, क्योंकि हम ये हमें एक पल के लिए ये सोचने का मौका देती है कि हम क्या कर रहे हैं और इस पर हम काम करते हैं। हालांकि अक्सर हम बहुत लंबे समय तक ये अगर बनी रहती है और हमें अपने रास्ते पर अटका देती है। झिझक डर घबराहट और चिंता पर काबू पाना एक कौशल है जिसे सीखने और अभ्यास करने की आवश्यकता है। क्या बात है, तो इतनी प्यारी सी बात इन्होंने की है, तो हम गीत सुनने में कोई झिझक नहीं करेंगे। बिल्कुल
सीखो न जानो, मुझे खुद ब खुद आ गया दिल लगाना। तो सोचने समझने और सीखने जानने के लिए बुआ जी ले लेते हैं एक अंतराल। अंतराल के बाद आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है विविध भारती पर। आप सुन रहे हैं कार्यक्रम सखी सहेली और चले कहीं लेते हैं स्कूटर मोटरसाइकिल कार है ना। हमारे साथी लिख रहे हैं एक वाहन जैसे कार या दो पहिया वाहन एक अद्भुत उपहार और मेरी राय में हर किसी के पास एक होनी चाहिए। हालांकि मुझे लगता है कि अपने बच्चों को बिना किसी बंधन वाला वाहन देना एक बड़ी गलती है। एक बच्चे के लिए काम करना और अपने वाहन के लिए बचत करना महत्वपूर्ण है। यदि कोई बच्चा अपनी कार के लिए काम करता है तो वे इसकी बेहतर देखभाल करेगा और वास्तव में इसकी देखभाल करेगा। तो बात वैसे सही है, यानी कि बच्चों को खरीद कर न दें, बच्चे स्वयं अपने पैसे से खरीदेंगे तो उसकी कदर करेंगे। वो तो सही है, लेकिन एक बात ये भी है जहाँ जो विषय हम उठाना चाह रहे हैं वो ये कि जब बच्चों की उम्र उतनी नहीं होती है कि उन्हें वाहन दिया जाए, उस वक्त आप कई बार क्योंकि घर में वाहन है तो इसलिए आप उन्हें दे देते हैं कि अभी इसे तो कार चलानी आ गई है जी। पहले से ही तो अभी 12 साल का या 13 साल का और इसे कार चलानी आती है, जाओ पास में जाकर ये कर लो वो कर लो, इस तरह से हम उन्हें दे देते हैं। तो वो चीजें नहीं करनी चाहिए क्योंकि ड्राइविंग लाइसेंस की एक जो उम्र तय की गई है वो कुछ सोच कर ही तय की गई है कि एक विशेष उम्र तक हो जाएंगे संभाल सकता है, कुछ भी समस्या है तो कहीं
अचानक से कोई दुर्घटना घटने वाली हो तो वो अपने आप को रोक सकता है, और वैसे भी शरीर भी पूरी तरीके से इतना सक्षम नहीं होता है कि आप वाहन चला सके। वैसे नेहा बेटिया, हमारे साथी ने जो बात लिखी है वो भी बहुत हद तक सही है, 18 साल से पहले कोई नहीं कमा पाएगा कि स्कूटर खरीद सके। जी बिल्कुल, तो ये बात कहीं ना कहीं अप्रत्यक्ष रूप से इसी बात पर लागू हो जाती है कि आप उतनी उम्र तक पहुंच जाएंगे। और हमारे साथी ने लिखा है कि बच्चों को वाहन चलाने का शौक भी बहुत हो गया आजकल, और वे भी खूब स्पीड से। जब तक बच्चों में गंभीरता समझदारी ना आ जाए, मुझे लगता है उनको वाहन देने से बचना चाहिए, भले ही उनकी उम्र 18 वर्ष पार हो गई हो, क्योंकि वे नादानी में इसको अपनी मौज समझते हैं और हवा से बातें करने चलते हैं जाते हैं, ये किसी के लिए घातक सिद्ध हो सकता है। बिल्कुल, और वाहन देने से पहले बिल्कुल सोचिए, हमारे दूसरे साथी लिख रहे हैं ये बात, वो 18 साल के हैं या नहीं, उनका ड्राइविंग लाइसेंस बना हुआ है या नहीं, और बच्चे कहाँ तक के लिए गाड़ी मांग रहे हैं, ज़्यादा दूर या पास है, उस जगह कितना ट्रैफिक होता है, गाड़ी देने में बच्चा कितना सेफ है या नहीं, और बच्चे को यातायात के नियमों का कितना ज्ञान है, ये बहुत ज़रूरी है। ये सब सोचने के बाद ही वाहन देने की सोचें। जी, तो सबसे पहली बात तो यही होगी कि पहला कदम जो है वो ये कि उसकी उम्र हो जाए और उसका लाइसेंस बना हो। और जाहिर है कि लाइसेंस जब बना होगा तो उनको नियम कानून तो आ ही जाएंगे, ट्रैफिक सिग्नल्स और इन सब की जानकारी जब मिल जाती है तभी आप पास होते हैं, लाइसेंस आपको मिलता है। जी। लेकिन उसके बाद बात आती है कि जब बच्चा कहाँ जा रहा है, कितनी दूर जा रहा है, वो जगह कैसी है, रास्ता कैसा है, है ना, और ये भी देखना है कि कितने लोगों के साथ जा रहा है ना, उनका प्लान क्या है। बहुत सारे लोगों के साथ जाते हैं तो कई बार ऐसा होता है कि वो कि तुम इतने धीरे धीरे चला रहे हो, हम तो बहुत फास्ट चला लेते हैं, तो एक दूसरे की देखा देखी भी काम हो जाता है। देखा देखी होता है, फिर कभी कभी कुछ ऐसा मौका होता है जिसमें कि बच्चे स्पीड का ही मजा लेते हैं या बस लॉन्ग ड्राइव के लिए जा ही रहे हैं, यानी उसका मजा ही लेने जा रहे हैं, तो जाहिर है फिर स्पीड कम कैसे करेंगे, ये तो दोनों चीजें जो है विरोधाभासी हैं, तो हो ही नहीं सकता। तो आप देखें उसको कि कैसे, आपको तय करना है कि उसको कैसे रोका जाए, है ना। बिल्कुल, और जैसे सोशल मीडिया का जमाना है तो सोशल मीडिया में भी इस तरह की कई चीजें नजर आती हैं जहां पर बताया जाता है कि दुर्घटना किस तरह से हो गई या यातायात के नियमों का पालन न करने की वजह से क्या दुष्परिणाम हुए, तो इन सब से भी आप उन्हें अवगत करवा सकते हैं। और ये क्योंकि वो ज्यादा सीखेंगे, साथ ही आपके साथ जब वो वाहन में जा रहा है, जब कितना भी छोटा हो, तो आप यातायात के साधनों, यातायात के नियमों का पूरी तरह से पालन करते हुए चलें, क्योंकि वो बैठा बैठा सीख रहा है। आज उसकी उम्र नहीं है वाहन चलाने की, लेकिन वो देख रहा है कि लाल बत्ती थी और हमने पार कर लिया, तो कल वो भी कर सकते हैं। बिल्कुल, करेगा ही करेगा, कर नहीं सकता वो तो करेगा ही करेगा। और स्पीड की जहां तक बात हमारे साथी लिख रहे हैं कि स्पीड को लेकर जान लें, ये बच्चों की गाड़ी चलाते समय स्पीड को लेकर जरूरी जानकारी है। आज के समय में युवाओं में इसे लेकर काफी क्रेज रहता है, अधिक स्पीड में गाड़ी चलाकर कूल बनने से जान भी जा सकती है। ड्राइविंग सीखते समय गाड़ी को नियंत्रण में कैसे रखें, किस स्पीड में चला है जिससे कि अचानक ब्रेक लगने पर गाड़ी नियंत्रण में आ जाए, इसके बारे में जानकारी देना बहुत जरूरी है। आमतौर पर 0 से 30 की रफ्तार में ही नए लोगों को ड्राइविंग करनी चाहिए, साथ ही पार्किंग लाइट्स ऑन करना ना भूलें। तो बहुत सारी चीजें हैं, सिग्नल, जैसे आपको दाहिने मुड़ना है तो दाहिनी तरफ का इंडिकेटर आप दे दें, बहुत सारी चीजें हैं। ओवरटेक कहां से करना है, कहां से नहीं करना है ना। तो अचानक से आप ओवरटेक ना करें, या बड़ी गाड़ी आ रही तो किस तरह से आपको संभल कर चलना है, या कोई ऐसी सड़क है जहां पर बहुत से लोग आते जाते हैं, छोटी सड़क है जहां पर लोग पैदल ज्यादा चलते हैं, तो वहां ध्यान रखना बहुत जरूरी है ताकि आपको अचानक ब्रेक लगाने की जरूरत ना पड़े। तो स्पीड उतनी रखें, स्पीड ब्रेकर का ख्याल रखें, स्पीड ब्रेकर के पहले आप बहुत तेज स्पीड में ना आए, तो इस तरीके की बहुत सी छोटी छोटी चीजें हैं जिसे आप भी अपने साथ में लेकर के बच्चे को ये सारी चीजें सिखा सकते हैं। अच्छा, एक बात और है कि बच्चों को बताना, जैसे हम बार बार कह रहे हैं कि बच्चों को ये सारी चीजें बताएं, वो सारी चीजें बताएं, लेकिन जब ये भी नियंत्रण से बाहर हो जाती है, ज्यादा हो जाती है, इनकी भी स्पीड एक होनी चाहिए और इनका भी एक पैमाना होना चाहिए कि आप देखें कि ऐसा तो नहीं कि आपने इतना बोलना शुरू कर दिया कि बच्चा तो अब उसके विरोध में ही जाने लगा, कि इतना क्या उपदेश देना है। आपने एक दो बार समझा दिया फिर आपको, क्योंकि युवा बच्चे हैं, इनका जो मन होता है बहुत चंचल होता है, तो उनकी भी स्पीड, आपको मन की भी स्पीड उनके समझनी होगी और उसी के हिसाब से बताना होगा। कहीं आपने इतना बता दिया तो उन्होंने कहा जाओ अब तो हमें सुनना ही नहीं है, बोलो अपनी मर्जी का, करके अपनी मर्जी का करेंगे भाई कितना। तो ये जब स्थिति आ जाती है तो ये आपको देखना पड़ेगा, और ये बच्चों के चेहरे के हाव भाव से समझ में आने लगता है कि अब हमें कहाँ पर लगाना है ब्रेक, तो लगा लेना चाहिए। बिल्कुल, तो गीत सुना देते हैं हम भी, इन बातों पर ब्रेक लगाते हैं, ज्ञान ज्यादा ना हो जाए। मैं
क्या बात है, अंत में साइकिल से भी तो आदमी गिर ही जाता है ना। जी जी बिल्कुल, इसलिए उस साइकिल में भी ध्यान, वाहन में ध्यान रखना बहुत अच्छा जरूरी है। हाँ, इसमें तो ध्यान ही नहीं, संतुलन बनाए रखना बहुत जरूरी है। हाँ, यही तो हम भी कह रहे हैं कि साइकिल भी आती है, ऐसा नहीं कि सिर्फ हम वो जू 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 वाली बात हाँ। कर रहे हैं, मोटरसाइकिल और कार की बात है। लेकिन फिलहाल जो है, जो भी वाहन दे, अब बहुत छोटा बच्चा होगा, देंगे आप उचक उचक के बैठेगा तो गिर ही जाएगा साइकिल पर। जी, और अब वो दिन याद करने की बारी आ गई जब बड़े भाई की साइकिल छोटे को मिल जाती थी, दोस्तों की साइकिल लेके चलाते थे, यानी कि कुछ लोगों को अच्छा लगता था, इस्तेमाल कुछ लोगों को लगता था कि क्यों हम हमेशा उतरा हुआ पहने, हम हमेशा बहन की किताब से ही क्यों पढ़े, हमारी नई किताब क्यों नहीं आती है, भाई की किताब से ही क्यों पढ़े, उसमें खूब गोचागाची की हुई थी। हाँ, नया चाहिए, खासकर जो छोटे भाई बहन होते हैं उन्हें लगता है हमेशा कि कुछ नया मिले, नया मिले। पर कभी कभी वो चाहते हैं कि बड़े भाई बहन की कोई चीज मिल जाए जो अच्छी लगती है, कि ऐसा लगता है ये मिल जाए, लेकिन वो मिलती नहीं है। और कितना भी, जैसे कि क्या होता था पहले, तो दो बहनें हैं या दो भाई हैं तो आ गया कपड़ा, प्रिंट एक सी होती है, बस रंग अलग होता था। हाँ। तो हमेशा जो दूसरे वाला का जो रंग रहता था अच्छा वही लगता था। हाँ। है ना, तो रहता ही है कि सामने वाले की चीज ज्यादा अच्छी लगती है। मैं साथ ही लिख रहे हैं कि वो दिन याद करो, एक दूसरे की चीजों का इस्तेमाल किया हो, लेकिन मुझे तो किसी से कोई चीज मांगने या इस्तेमाल करने पर बड़ा संकोच होता है, जबकि सामने वाला बिना झिझक हमारी कोई चीज या वाहन इस्तेमाल करके मांग लेता है, तब हम झिझक कर रह जाते हैं और बड़ा गुस्सा आता है फिर। बात तो सही है, ये वाहन वाला मामला तो बड़ा गड़बड़ा है। बिल्कुल, झिझक के मारे भी बहुत सारी चीजें ऐसे फंस जाते हैं हम। हमारे एक साथी कह रहे हैं कि दूसरों की चीजों का इस्तेमाल, हमारे दिल में तो दूसरा कुछ होता ही नहीं था, पड़ोस भी अपना ही होता था। जूते के पॉलिश से लेकर जूता, चप्पल, दुपट्टा, इंस्ट्रूमेंट बॉक्स, पेन, सभी चीज एक दूसरे की हुआ करती थी। अच्छा, मोहल्ले में किसी घर का कुछ फंक्शन हो तो बर्तन चादर का आदान प्रदान हुआ करता था। भाई बहन भी अगर पैर के एक नाप है तो सभी एक दूसरे का सब पहनते थे, कभी किसी का अपना एक पर्सनल कुछ भी नहीं होता था, सब मिल बांट के पहनते थे। कभी कभी हमें इसमें बेहद झगड़ा भी हो जाता था, पर झगड़ा भी वही होता है जहाँ प्यार होता है। क्या बात है, ये हमारे साथी जो बता रहे हैं, जो आदर्श स्थिति बता रही है। बहुत कम जगह होता है ऐसा, इन दिनों तो बहुत ही कम होता है, है? इन दिनों तो बहुत ही कम होता है, लेकिन नहीं तो झगड़ा क्यों होगा, जब मांगते ही नहीं है, लेते ही नहीं है, सब खुद ही मैचिंग मैचिंग का पहन रहे हैं, खरीद रहे हैं, तो वो स्थिति भी हो गई। और बड़ा संकोच भी अब लोग करते हैं, जैसे हमारे साथियों ने बहुत सारे ने कहा भी है कि मांगना नहीं चाहिए, कहीं ना कहीं बीमारी आदि के हिसाब से भी बहुत सारी चीजें नहीं मांगना चाहिए। तो क्या पहले बीमारी वाली नहीं होती थी, पहले इतना सोचा नहीं जाता था, पहले हम अड़ोस पड़ोस के व्यक्तियों को भी एक परिवार, एक बड़ा परिवार होता था ना, सब होता तो परिवार में तो इस तरह की चीजें चलती रहती हैं, पूरा कुटुंब जैसा माना जाता था। और सच बात है कि हमें भी याद है, बचपन में एक घर से हमारे सामने के घर की बच्ची थी, कुछ कपड़ा लेकर गई थी, जब वापस करने आई तो थैंक यू बोला, तो उस समय ऐसा आश्चर्य लगा कि इसमें धन्यवाद करने की जरूरत क्या है, मतलब इतना औपचारिकता, घर की तरह चीज हम लोग मान के ही चलते थे पहले। हाँ। तो और दे दिया, ले लिया, हो गया बात खत्म। अब वो बोली, जब उसे थैंक यू बोला तो हम तो ऐसे अवाक रह गए। तो ऐसे भी दिन हम लोगों ने देखे हैं, और कि जाहिर है कि सब कुछ, जैसे इन्होंने लिखा कि पूरे मोहल्ले के लोग, आस पड़ोस के लोग सब अपने होते थे, और बर्तन की जो इन्होंने बात कही, अगर हाँ। मोहल्ले में किसी के घर में एक ही साथ मिलकर बैठकर सब पापड़ बना लेते थे, एक ही साथ मिलकर बैठकर सारी चीजें हो जाती थी, जिसके घर बड़े बर्तन है वो बड़े बर्तन ले लेते थे। तो ऐसे किस्से बहुत सारे हैं, लेकिन कुछ मजेदार किस्से भी आए हुए हैं ना। बिल्कुल, हमारे एक साथी कह रहे हैं कि मैं बचपन से अपनी चीजों का ही इस्तेमाल करता आया हूँ। एक बार परीक्षा में पेंसिल लाना भूल गया था। अच्छा। और टीचर के कहने के बाद भी मैंने किसी और विद्यार्थी से पेंसिल नहीं ली, उस विषय की परीक्षा में मुझे जीरो मिला, लेकिन आज भी मैं अपनी ही चीजों का इस्तेमाल करता हूँ। जीरो मिला तब भी नहीं समझे कि हाँ ले लेना चाहिए। जी बिल्कुल, हम तो ले लेते थे, क्योंकि हमें तो ये लगता था कि एग्जाम में कहा जाता है कि दो तीन पेन इसीलिए लेकर आया जाता है ताकि कोई अगर ना लाए तो उसे दे दिया जाए। हाँ। या अगर आप नहीं लाए हैं तो कोई आपको दे दे, स्केल, पेंसिल, ये सारी चीजें तो ली जाती है, लेकिन लेना चाहिए। और जीरो से तो अच्छा था, कुछ नंबर मिल जाता, उसके आगे कुछ जुड़ जाता, बाद में एक नई पेंसिल देते थे अगर इतना संकोच था तो। अरे लेकिन लिया ही नहीं ना इन्होंने, तो हमें तो बड़ा अफसोस हो रहा है, तो गलत बात है ना, पूरा साल बर्बाद हो गया, इससे तो अच्छा कि ले लेते। और एक बात और है कि पेंसिल जैसी चीज है या कोई भी ऐसी चीजें जो है वो बिल्कुल निराकार, जैसे मतलब ऐसा कुछ नहीं है कि उसमें कुछ चीजें अपना या दूसरे का ऐसा वो नहीं, आप जैसे बाजार से लाते हैं वैसे उस व्यक्ति से भी आप ले सकते थे। और अभी तक जीरो मिलने के बाद भी आज तक आपने बदलाव नहीं किया, ये भी बड़ी आश्चर्य की बात है। वैसे हमारे साथियों ने अलग अलग ढंग से बड़ी मजेदार बातें लिखी हैं। दीदी जिस स्कूल में मैं पढ़ती थी वहीं मेरा नाम, हाँ दीदी जिस स्कूल में पढ़ती थी वहीं मेरा नाम भी लिखा दिया गया। सबने कहा दीदी की यूनिफॉर्म पहन लो, जूता दूसरी बहन का, मन में तो था कि नई यूनिफॉर्म मिलेगी, मगर खुशियों पर पानी फिर गया। 6 महीने बाद नई यूनिफॉर्म पहनने को मिली,
तब बड़ी शान से सारी दोस्तों को बताया, देखो आज नई पहन कर आई हूँ। क्या बात है। हाँ ये भी बात है, ये भी एक थोड़ा दुख है, क्योंकि जहाँ नहीं चाहिए होती वो चीजें जरूर मिल जाती हैं, और कई बार कुछ चीजें चाहिए होती हैं तो हाँ, नहीं मिलती वो है। नहीं मिलती है। किताब कॉपियां तो चाहिए होती थी, क्योंकि ना उसमें फुट नोट लिखते थे ना, संस्कृत जैसे किताब है तो उसमें अर्थ वर्थ वहीं लिखा होता था, तो लगता था मिल जाए तो सब पक्का पकाया मिल जाएगा, फिर से नहीं लिखना पड़ेगा। बिल्कुल। तो हम एक गीत सुन लेते हैं और उसके बाद बाकी के बहुत मजेदार जो किस्से हैं वो साझा करते हैं। मोरा गोरा अंग ले ले, मोहे श्याम रंग दे दे, छुप जाऊंगी रात ही में, मोहे पी का संग दे दे। लेन देन तुम करोगे हाँ, ऐसा भी कर सकते हैं लेन देन कई बार कि तुम ये ले लो हम वो ले लेते जी, हैं गोरा अंग ले ले। हमारे साथी कह रहे हैं कि आप किसी ना किसी बात पर बचपन का वो जमाना याद करा ही देते हो। मैंने तो वैसे किसी की कोई भी चीज लेने से परहेज ही रखी, लेकिन मेरी बड़ी दीदी हमेशा से ही मेरी चीजें खासकर चप्पल कपड़े पहन लेती थी। अच्छा। और चप्पल घर से लिफाफे में ले जा करके दूर जाके पहनती। अच्छा। और फिर अगर मुझे पता चल जाता जब भी कभी, तो फिर माँ पापा ही उस लड़ाई को मिटाते। ओहो हो, तो बड़ी बहन है, आमतौर पर ऐसा नहीं करती। हाँ। ये तो हम पहली बार सुन रहे हैं, चलिए अच्छी बात है। और भाई ऐसा एक घर में और भी होता था कि वही चप्पल वाला मामला था, दोनों बहनें, छोटी बहन का पैर थोड़ा सा मतलब चौड़ा था, तो बड़ी बहन की जब चप्पल आती थी छोटी बहन नाप लेती थी, और वो ऐसे चिन 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 करती रहती थी कि नहीं 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 मत पहनना, ढीली हो जाएगी ढीली हो जाएगी। तो मम्मी उसकी कहती थी नहीं नहीं बेटा तू पहने दो छोटी वाले को, हम तुम्हारे लिए ला देंगे, लेकर आ जाएंगे नहीं तुम्हारे लिए, लेकिन वो कभी नहीं आती थी उसके लिए। और ये बात उसने अपने मम्मी पापा को बहुत बड़े होने के बाद बताई, कम से कम 30 साल की जब हो गई तब उसने कहा कि तुम ऐसे ही करती थी मम्मी बचपन से हमारे संग।
तो कई बार ऐसा होता है ना कि छोटों का पक्ष ले लिया जाता है हाँ। और कई बार बड़ों का ले लिया जाता है क्योंकि बड़े इतने आदर्श होते हैं कि कहा जाता है कि इनके सामने तो तुम जो वो कह रहे हैं मान लो, मान लो। वैसे ऐसा होता है हाँ? बड़े भाई बहन का बहुत अच्छी सी हाँ? छवि रहती है, उन्हें तो सब नया नया भी मिलता है, नया नया मिलता भी है और वो एक जैसे एक तरीके से शासन वही करते हैं घर पर कैसे क्या होगा कैसे नहीं होगा। और जैसे छोटा बच्चा आता है घर में तो उनमें बड़कपन आ भी जाता है, बिल्कुल। तो इस तरीके की बातें होती हैं। हमारे एक साथी कह रहे कि जब वो दिन याद करो जब हम एक दूसरे को सामान लेते और देते थे जी। इस लेन देन का तो मेरा बहुत ही प्यारा सा अनुभव है क्योंकि मैं हॉस्टल में रहकर पढ़ी हूँ, हर समय कोई ना कोई वस्तु कम पड़ ही जाती थी जी। जब तक कि घर से वो चीज आ ना जाए हम सभी एक दूसरे की वस्तुओं का इस्तेमाल करते थे और आज भी हम सब याद करके बहुत खुश होते हैं। एक दूसरे के घर से आया अचार या नाश्ता बहुत ही प्यार से बांट कर मांग कर खाते और खिलाते थे। क्या बात है। तो भाई देखो ऐसा है कि जो हमने बात की जीरो नंबर वाले की, तो हमारे साथी ने लिख दिया कि बुआ जी साल बर्बाद नहीं हुआ, वो मासिक टेस्ट था, उस दिन के बाद मैंने ठान लिया मैं अपनी चीजों को कभी भूलूंगा नहीं। अब मैं टीचर हूँ और मेरे बैग में एक दर्जन लाल काले नीले एक नोटबुक मार्कर पेन रहते हैं, साथी टीचर मांग ले तो मैं दे देता हूँ पर किसी से पेन इत्यादि आज भी नहीं लेता, अटेंडेंस रजिस्टर पर अपने ही पेन से दस्तखत करता हूँ। तो ये तो बड़ी अच्छी बात है कि ये सबक जो आपको मिला उससे आपने इतना बड़ा सबक ले लिया, तो क्या बात है। और मासिक इंतहाम था इसलिए लेकिन ज्यादा हम कुछ फिर कहेंगे कि सामान किसी को जैसे आप देते हैं ले सकते हैं थोड़ा तो कोई और लेता है कि नहीं आखिर आप हाँ। बताइए तो फिर मतलब वो गलत जैसे है कि कभी आप कभी गलत। कपड़े वगैरह पहनने में आप एक बार सोच सकते हैं कि आपको लगता है नहीं, बहुत से लोगों को नहीं अच्छा लगता क्योंकि एक व्यक्ति की पहचान है और आपको थोड़ा सा उनके कुछ नहीं पसंद आती है, पसंद आती है। और सच बात है कि मेरे साथियों ने जैसे कहा कि इन्फेक्शन आने की संभावना है, लेकिन चीजें जैसे कि पेंसिल पेन टाइप की चीजें जो है वो आप इस्तेमाल में ला सकते हैं और इस स्थिति में तो बिल्कुल ला सकते हैं। देखो एक दर्जन खुद लेके घूम रहे हैं और आप सबको देते हैं तो थोड़ा सा आप भी दिलदार बनिए, लेने के मामले में भी दिलदारी दिखानी चाहिए केवल देने के मामले में नहीं। हमारे साथी किसी और को भी मौका दे वो भी तो कहे कि हम भी देते हैं हम भी देते हैं हाँ। और हमारे एक साथी कह रहे हैं कि सात भाई बहन थे हम, मेरा नंबर तीसरा था तो उस समय हम लोग तो उतरन ही पहनते थे, कभी कभार त्योहार पर नए कपड़े बन जाते थे, वही खिलौनों और पुस्तकों का भी यही हाल था हाँ। अच्छा एक बात और है कि पहले तो पुस्तकें बदलती भी नहीं थी तो वही किताबें चलती रहती थी तो उसका फायदा भी था, कभी कभी केवल अपने भाई बहने बल्कि मौसी के बच्चों से बुआ के बच्चे जब होते थे बड़े उनके भी चीजें हम लोग प्रयोग में लाते थे, कपड़े तो खूब एक दूसरे के आदान प्रदान किए ही जाते थे। और हमारी एक और साथी कह रही कि आज से 40 साल पहले लिपस्टिक हर घर में नहीं होती थी हाँ। किसी लड़की को दिखाना होता तो लिपस्टिक एक मोहल्ले से दूसरे मोहल्ले तक मांगना पड़ता था, ये बात ये चीजें अब क्योंकि सौंदर्य की जो चीजें हैं जो हाँ। बहुत ज्यादा ही जैसे होंठों पर इस्तेमाल हो रही आंखों पर इस्तेमाल हो रही ये चीजें अब क्योंकि इन्फेक्शन इतना ज्यादा अलग अलग तरह के बढ़ गए हैं और हमारी रोग प्रतिरोधक क्षमता भी कम हो गई है और संवेदनशीलता भी थोड़ी थोड़ी कम होती जा रही है, तो इन सब चीजों से इनका इस्तेमाल तो हम आपस में नहीं करते नहीं लेकिन करते, लड़की दिखाने वाला मामला जो ये कह रहे हैं अभी कुछ देर पहले भी जब हम विषय पर चर्चा कर रहे थे तो हमें बताया गया कि भाई जब ऐसा होता था तो किसी से क्रॉकरी सेट लेकर आया जाता था, किसी से चादर मेज कवर वगैरह जो भी बहुत सुंदर सुंदर होते थे सब लाया जाता था। सही बात तो यह कि पहले लोग सीमित संसाधनों में रहते थे और वो अच्छी बात भी थी कि मेज आदि का जैसे है या जैसे क्रॉकरी वगैरह शीशे का सामान बर्तन सब क्या होता था, यहाँ तक कि चम्मच नहीं होता था हम लोगों के घरों में, तो बचपन में हम लोगों के मुट्ठी से ऐसे शक्कर डाली जाती थी बहुत स्वादिष्ट चाय बनती थी। इस स्वादिष्ट चाय के बाद एक ठो गीत सुना दो तुम। बिल्कुल हाँ। जानो क्या मेरा दिल अब कहाँ खो गया, बोल 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 ऐ गुलनार जानो क्या मेरा दिल अब कहाँ खो गया, बोल 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 ऐ गुलनार बोलो कुछ तो बोलो 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 गोरी हसीना अरे मुश्किल हुआ जीना बहारों के शहर में ओ मेरी रानी हाय 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 तुम ही कुछ बताओ ना इतना सताओ पाँव तले देखो हमारा दिल ना हो जानू क्या मेरा दिल अब कहाँ खो गया बोल 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 ऐ गुलनार
भी पूछा और किरणों से भी पूछा, सुनता नहीं कोई हमारी बातें, हाय 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 हाय। फूलों से भी पूछा और कलियों से भी पूछा, कोई कुछ ना बोला और मैं तो लुट गया। जानू क्या मेरा दिल अब कहाँ खो गया, बोलो 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 ए गुलनार ए गुलनार। लहरें भी मस्तानी घेरे मुझे देखो इशारा करके, हाय गालों के उजाले हर जल गए जलने वाले, परियों के नगर में लो मैं तो आ फंसा। जानू क्या मेरा दिल अब कहाँ खो गया, बोलो 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 ए गुलनार ए गुलनार। जानू क्या मेरा दिल अब कहाँ खो गया, बोलो 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 ए गुलनार ए गुलनार। बोलो कुछ तो बोलो 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 कुछ तो बोलो। तो बुआ जी कुछ बोलिए। नहीं, लेन देन के विषय में हम कुछ नहीं बोलेंगे क्योंकि सब लोग अपनी अपनी राय पर बिल्कुल टिके हुए हैं जी। और अच्छी बात भी है, जो जैसा हम तो बताएं बुआ जी, हम तो स्कूल के जमाने में जब कई बार क्योंकि शनिवार के दिन सफेद जूते और सफेद कपड़े पहन के आने होते, तो कई बार हम नहीं भी होते थे तो हम नहीं पहनते, तो काले पहन के चले जाते तो वहाँ सजा मिलती थी। हाँ। तो इसके लिए हम ये क्या करते थे कि पहले जो हमारे साथी होते थे वो पहले लाइन से आगे निकल जाते थे चेक करवा के, और बाद में जूते भेज देते थे पीछे किसी हाथ से, और हम फिर जूते बदल लेते थे और काले जूते अंदर चले जाते थे। तो इस तरह से हम सब मिलके एक दूसरे को बचा लिया करते थे और फिर इस बात में खुश रहते थे। तो ऐसा जिसकी जैसे निभ जाए बस वैसे ही रहिए। फिलहाल हम लेते हैं इजाजत दीजिए नेहा शर्मा बुआ को और स्वीकार कीजिए। नमस्कार। सखी सहेली सहेली।